हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ दो कमाल के बढ़िया वाले सर्वाइवल गेम्स, जिसके अंदर ना आप लोग को फुली ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेंगे और भाई ग्राफिक्स जो है ना एकदम पीसी जैसे देखने को मिलेंगे। और भाई दोनों गेम बिल्कुल ही ऑफलाइन होने वाली है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों गेम जो है ना भाई आपके हर एंड्रॉइड फोन में चलेगा, क्योंकि भाई इन दोनों गेम का साइज ही काफी ज्यादा कम है। और गाइस मैं आप लोग को लिटरली बता रहा हूँ कि ये दोनों गेम को जो है ना भाई मैं काफी टाइम से खेल भी रहा हूँ एंड मेरे को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है, एंड डेफिनेटली आप लोग को भी मजा आएगा इस दोनों गेम को खेलने के बाद। तो बस वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर देना। आज की इस वीडियो का लाइक एम होने वाला है 100 लाइक्स का, तो जल्दी से जाके लाइक के बटन को दबा के गोल को कम्प्लीट करो और साथ ही साथ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो गाइस, इसी के साथ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो गाइस, हमारे फर्स्ट नंबर पे जो गेम है ना भाई, ये गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक हाई ग्राफिक्स ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है। आप लोगों ने तो बहुत सारे सर्वाइवल गेम खेल रखे होंगे, लेकिन भाई ये गेम ना एक अलग ही सर्वाइवल गेम होने वाला है, क्योंकि भाई इस गेम में ना आप लोगों को काफी सारे मिस्ट्री वगैरह को सोल्व करना होगा, काफी सारे मिशन वगैरह दिए रहेंगे उसको भाई आप लोग को कम्प्लीट करना होगा, तभी आप लोग भाई इस सर्वाइवल गेम को पार कर पाओगे। एंड बात करें इस गेम के बारे में कि आखिरकार इस गेम में आप लोग को क्या करना होगा, तो भाई इस गेम में ना आप लोग एक पायरेट रहोगे, जो कि भाई अचानक से कोई शिप से आ रहा था ना, एंड उसका शिप जो है क्रैश हो जाता है और वो एक आइलैंड में फंस जाता है। एंड आप लोग को ना भाई इसी आइलैंड से एस्केप करना होगा, यानी कि भाई सरवाइव करना होगा इसी आइलैंड में, जब तक कि आप लोग का भाई शिप वगैरह ठीक नहीं हो सकता या फिर उसको आप लोग अपग्रेड करके दोबारा से नहीं बना देते हो, तब तक आप लोग को भाई सरवाइव करना है इस आइलैंड में। एंड यकीन मानो भाई, आप लोग को ना सरवाइव करने में बहुत ज्यादा ही दिन लग जाएंगे, क्योंकि भाई इस गेम में ना दिन रात सब होते हैं, एंड आपको ना ज़ॉम्बीज वगैरह भी काफी सारे मारने वगैरह आएंगे, तो उनसे भी आप लोग को बच के रहना होगा। एंड भाई खाना पीना पकाने के लिए ना आप लोग को काफी सारे फूड वगैरह इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिससे ना आप लोग खा के भाई सर्वाइव कर पाओ इस आइलैंड में इजिली। और गाइस इस गेम में अभी हाल ही फिलहाल में एक हेलोवीन अपडेट आया है, जो कि भाई काफी ज्यादा जबरदस्त है। एंड इस अपडेट में आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि भाई आप लोग को जो ज़ॉम्बीज वगैरह या स्केलेटन वगैरह रहता है ना इस गेम में, जो कि एनिमी के तौर पर रहता है, एंड उसके सर पे ना भाई फुली हेलोवीन वाला पता नहीं क्या मटका जैसा लगा रहता है, वो चीज देखने को मिलेगा। यानी कि भाई इस गेम में फुली हेलोवीन अपडेट आ रखा है, जो कि भाई जगह जगह पे आप लोग को पंपकिन वगैरह देखने को मिलेगा और कुछ स्टेचू वगैरह भूत वगैरह जो रहता है भाई वो देखने को मिलेगा। एंड उसको अगर आप लोग फोड़ोगे ना तो कुछ कॉइन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उसको आप लोग अगर कलेक्ट करोगे ना तो उससे आप लोग कुछ बड़े बड़े जैसे रिवॉर्ड वगैरह खरीद सकते हो, जैसे भाई गन वगैरह और बैट वगैरह, जिससे आप लोग ज़ॉम्बीज को मार पाओ। तो ये सब आप लोग को मैप में हर जगह देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको इजिली फोड़ के कॉइन वगैरह को कलेक्ट कर सकते हो। और बाकी बात, गेम जो है पूरी तरीके से जबरदस्त ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम होने वाला है, तो अगर आप लोग को इस गेम को डाउनलोड करना है ना, तो भाई मैं इस गेम का नाम बता देता हूँ आपको। तो गाइस इस गेम का नाम है लास्ट पायरेट सर्वाइवल आइलैंड, जो कि आपको प्ले स्टोर पे 186 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। और ये गेम जो है ना आप लोग को भाई पूरी तरीके से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग भाई इस गेम को एक बार जरूर से डाउनलोड करके खेल लेना। तो चलो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर पे लास्ट गेम की तरह। सो गाइस, हमारे सेकंड नंबर पे जो गेम है ना भाई, ये गेम भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक हाई ग्राफिक्स ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम होने वाला है। मतलब कि मेरे को इस गेम का सबसे बेस्ट चीज ये लगा कि भाई इस गेम का ग्राफिक्स कितना ज्यादा ओपी है, आप लोग मतलब खुद ही देखो एक बार। वैसे आप लोग को अभी तो पता नहीं चलेगा जब तक आप लोग इस गेम को डाउनलोड नहीं करोगे तब तक। और भाई इस गेम का ना साउंड वगैरह, जो नेचर का साउंड वगैरह आता है भाई बैकग्राउंड में, काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। आप लोग इस गेम को खेलोगे ना तो आप लोग को लगेगा भाई मैं कोई पीसी गेम खेल रहा हूँ। एंड बात करें इस गेम के बारे में, तो भाई इस गेम में ना आप लोग को स्टार्टिंग में सर्वाइव करने के लिए भाई काफी सारे ट्री वगैरह को तोड़ना पड़ेगा, काफी सारे भाई चीजें को इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे कि भाई स्टोन वगैरह और ट्री वगैरह को तोड़ोगे, हर जगह जगह आप लोग को रोड वगैरह पे इस जमीन वगैरह पे देखने को मिल जाएंगे स्टोन वगैरह, तो उसको आप लोग कलेक्ट करते रहोगे ना, तो उससे आप लोग भाई काफी सारे चीजें बना पाओगे, जैसे कि भाई टूल्स वगैरह जिससे आप लोग घर वगैरह बना पाओ और पेड़ वगैरह को और आसानी से तोड़ पाओ। और गाइस इस गेम का मैप आप लोग को फुल्ली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग भाई कहीं भी जाओगे ना तो वहाँ पे आप लोग को नई नई चीजें देखने को मिलेगी, नया नया जगह आप लोग एक्सप्लोर करोगे, ताकि आप लोग को ना वहाँ का पूरा जानकारी हो और भाई आप लोग को सर्वाइव करने में ना आप लोग को काफी सारे सामान वगैरह भी अनलॉक होते जाएंगे। मतलब कि जैसे जैसे आप लोग इस गेम का टास्क वगैरह कम्प्लीट करोगे, मिशन वगैरह कम्प्लीट करोगे, नए नए चीजों को एक्सप्लोर करोगे, तो वैसे वैसे आप लोग का भाई आइटम वगैरह जो है ना अनलॉक होता जाएगा। भाई ये गेम भी काफी ज्यादा ओपी है, और इस गेम को मैंने पर्सनली खेल रखा है, तो आप लोग को डेफिनेटली तो पसंद आएगा ही। तो आप लोग भाई इस गेम को डाउनलोड करने के लिए ना आप लोग को इस गेम का नाम मैं बता देता हूँ। सो गाइस, इस गेम का नाम है ओशियन इज होम सर्वाइवल आइलैंड, जो कि आपको प्ले स्टोर पे सिर्फ 105 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा, और भाई ये गेम आपको पूरी तरीके से ऑफलाइन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस गेम को भी एक बार जरूर से डाउनलोड करके खेल लेना, आप लोग को डेफिनेटली भाई इस गेम को खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो आप लोग को पता है भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप लोग कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।